हाय एवरीवन, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम आपके लिए डेमो लेके आए हैं सैमसंग के साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर का, जिसका मॉडल है RS74R5101SL, जो कि आपका वाटर डिस्पेंसर, यानी कि इसके अंदर आपको कोल्ड वाटर का ऑप्शन भी मिल जाता है, साथ ही आपको क्यूब आइस का ऑप्शन भी मिल जाता है और इसी के साथ आपको क्रस्ड आइस का ऑप्शन भी इसके अंदर मिल जाएगा। तो करते हैं डिटेल में इसी रेफ्रिजरेटर की कंप्लीट डिटेल की बात। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में आपके रिव्यू दें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आपने आपके सामने इसी साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर का फर्स्ट लुक, जिसके अंदर आपको कोल्ड वाटर का ऑप्शन भी बाहर ही मिल जाता है। साथ ही आपको मैं इसकी डिटेल में दिखाता हूँ पास से। ये देखिए, यहाँ पे आपको कोल्ड वाटर का ऑप्शन भी मिल जाता है, यहाँ से आप क्यूब आइस भी निकाल सकते हो और क्रस्ड आइस भी आप बाहर से ही निकाल सकते हो। तो ये है इसका आउटलेट, यहाँ से ठंडा पानी बाहर आता है और आइस, क्यूब आइस वगैरह सब कुछ यहीं से बाहर आती है। ये जस्ट यहाँ पर क्लिक करने के लिए है, अगर आपको आइस और वाटर के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। सामने की तरफ से इसके फ्रंट की बात करें तो सारा आपका स्टील के साथ आता है, ये स्टील फिनिश के साथ आता है, जो कि एक मैट फिनिश भी है। यहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं डलते आसानी से। और साइड से ये सारा का सारा आपका लेदर कोटिंग के साथ आता है। यहाँ पर देखिए, ये सारा लेदर कोटिंग है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं डलते। बैक साइड से भी ये पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन होता है। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन होता है। बैक साइड में कोई जाली मूली वगैरह ऐसा कुछ सीन नहीं है। और अंदर की बात करें इसके, तो आपको शेल्फें काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। ये देखिए, बहुत सारी शेल्फें आपको मिलती है, फ्रीज़र वाले पोर्शन के अंदर भी, फ्रिज वाले पोर्शन के अंदर भी, डोर में भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है यहाँ पर। और ये है इसकी मशीन, जो कि सारा काम करती है, जैसे कि क्यूब आइस बनाती है, ठंडा पानी करती है, सब कुछ यहाँ पर होता है, जो भी इसकी प्रोसेसिंग है। तो ये था इसके डिज़ाइन, ये थी इसकी कंप्लीट डिज़ाइन की बात। अब बात करते हैं इसी रेफ्रिजरेटर के फीचर्स की। तो फीचर्स के अंदर सबसे मेन जो इसका फीचर आपको मिलता है, उसको हम बोलते हैं स्पेस मैक्स टेक्नोलॉजी। उसके अंदर क्या है, जो आपकी ये दीवारें हैं उनकी जो मोटाई है सैमसंग ने काफ़ी कम कर दी है, क्योंकि इसके अंदर जो पफ यूज़ की गई है वो सैमसंग की सबसे बेस्ट क्वालिटी की पफ इन्होंने यूज़ किया है, जिसकी वजह से दीवारें पतली हो गई हैं और अंदर का जो स्पेस है वो बढ़ गया है। कहने का मतलब आउटसाइड से उतना ही है बट बिगर इनसाइड, अंदर से बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। और इस फ्रीज़र में बात करें तो वहाँ भी आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाते हैं। इवन आप इसके अंदर एक जो वाटर डिस्पेंसर के ऊपर जो बड़ी वाली बोतल होती है, जो उसके ऊपर उल्टी करके रखते हैं, वो भी आप बड़े आराम से इसके अंदर रख सकते हो। उसका स्टैंड भी कंपनी ने साथ ही दिया हुआ है, यहाँ पे ये रखा हुआ स्टैंड, इसके ऊपर आप उस बोतल को रख सकते हो। इसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर इसी के साथ आपको ऑल अराउंड कूलिंग का फीचर भी मिल जाता है। ऑल अराउंड कूलिंग के अंदर क्या है, आपको हर एक शेल पे देखिए, जैसे कि ये एक डक्ट है, हर एक शेल पे आपको डक्ट मिल जाएगी, ये देखिए, जिसके अंदर आपको पूरे पूरे रेफ्रिजरेटर के अंदर इक्वल कूलिंग मिलती है, बराबर कूलिंग मिलती है, चाहे वो आपका फ्रीजर वाला पार्ट है, चाहे वो आपका फ्रिज वाला पार्ट है, दोनों के अंदर। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी जो एक्सेसरीज हैं, जो है कि ये बॉटल गार्ड वगैरह हैं, ये काफ़ी अच्छे और तगड़ी क्वालिटी के हैं। और स्पेस भी देखिए आपके सामने काफ़ी अच्छा मिल रहा है इसके अंदर। इसके अलावा आपको इसके अंदर इसी के साथ एलईडी लाइट भी मिल जाती है, जो कि आपकी दोनों तरफ ही है, ये फ्रीज़र वाले फ्रिज वाले पोर्शन में है और नॉर्मली इस वाले पोर्शन में, देखो फ्रीज़र वाले पार्ट में भी है। नॉर्मली आपको ये नहीं मिलती, सिर्फ फ्रिज वाले पोर्शन में होती है, बट इसके अंदर आपको दोनों के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कंप्लीट डिटेल की बात करें तो इसका जो मॉडल है RS74R5101SL, जिसका मैंने अभी बताया था। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी जो विड्थ है वो 35.9 इंचेस है, डेप्थ की बात करें तो ये 28.2 इंचेस का है, और हाइट की बात करें तो ये 70.1 इंचेस का है। जो इसका नेट वेट है वो 109, लगभग एक क्विंटल का रेफ्रिजरेटर है ये। और इसकी जो इनपुट पावर इसको चाहिए होते हैं वो कम से कम 150 वॉट इसको चाहिए होती है।
और काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर ये आता है। तो ये है इसका कंट्रोल पैनल जो आपके सामने है, देखिए इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिल जाता है वो है फ्रिज वाला ऑप्शन। यहाँ से आप जो राइट वाला पोर्शन है फ्रिज वाला, जो ये वाला पोर्शन है देखिए इधर वाला, इसका टेम्परेचर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, कम ज़्यादा करना है वो आप कर सकते हो। पावर कूल का फीचर यूज़ कर सकते हो, इस बटन को आपने 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है और ये पावर कूल के ऊपर 31% एक्स्ट्रा आपको कूलिंग देगा फ्रिज वाले पार्ट में। और ये बटन है, टच नहीं है क्योंकि बटन की लाइफ ज़्यादा होती है। सेकंड, आपके इसके अंदर वेकेशन मोड मिल जाता है। यहाँ पे वेकेशन मोड का फ़ायदा ये होता है कि जब आप कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो आप फ्रिज वाले ऑप्शन पोर्शन के अंदर काफ़ी कम कूलिंग करके जा सकते हो, जिसकी वजह से आपका फ्रिज रनिंग में रहेगा और एनर्जी कंजप्शन भी काफ़ी कम रहेगी। थर्ड ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाता है फ्रीज़र का टेम्परेचर सेट करने के लिए, जो कि इधर वाला पार्ट है, लेफ्ट साइड वाला। इसके अंदर आप फ्रीज़र का पोर्शन का जो टेम्परेचर वो सेट कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आप 3 सेकंड के लिए इसको दबाते हो तो पावर फ्रीज भी हो जाएगा, जो उधर है 31% एक्स्ट्रा आइस मेकिंग फास्ट होगी। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो आइस मेकर मिल जाता है इसके अंदर, आइस मेकर जो कि ये वाली मशीन जो है इसके अंदर, इसका टेम्परेचर है वो किस तरह से आपने सेट करना वो आप कर सकते हो, कैसी आपको इसके अंदर आइस चाहिए। थोड़े ध्यान से देखोगे तो इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो, ये देखिए आइस मेकर ऑफ, आइस मेकर ऑन, इनको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। इसी के साथ आपको डोर अलार्म का ऑप्शन भी मिल जाता है। बाई चांस आप 3 मिनट से ज़्यादा अगर डोर खुला छोड़ देते हो, बच्चे छोड़ देते हैं, तो इसके अंदर एक अलार्म बजता है, एक ट्यून बजती है, आपको पता लग जाएगा कि जो डोर है वो खुला हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आपको लॉक का मिल जाता है। अगर आप इस पूरे के पूरे पैनल को लॉक करना चाहते हो ताकि बच्चे ना छेड़ें, तो आपने इस बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है और ये पूरा पैनल लॉक हो जाता है। जो अगर दोबारा अनलॉक करना है तो दोबारा इसी बटन को 3 सेकंड के प्रेस करना है। नेक्स्ट इसके अंदर आपको देखिए एक कंटेनर मिल जाता है जो कि 4.5 लीटर का है और इसमें आप जो पानी है बड़ी आसानी से फिल कर सकते हो। ये खुल जाता है इस तरह से, आप इसको बाहर भी निकाल सकते हो, टेप उतार के बाहर निकल जाएगा। इसका ढक्कन भी आप यहाँ से उठा सकते हो, यहाँ से आप पानी इसके अंदर 4.5 लीटर इसके अंदर बड़ी आराम से फील कर सकते हो। पानी फील करने के बाद जो बाकी की प्रोसेसिंग इस मशीन के अंदर होती है और बाहर से फिर आप क्यूब आइस, क्रश्ड आइस और कोल्ड वाटर आप यहाँ से ले सकते हो। अब थोड़ा डिटेल के अंदर अगर हम इस कंटेनर की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी के साथ आ रहा है, प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सैमसंग ने इस कंटेनर को फ्रिज के अंदर क्यों दिया है, क्योंकि नॉर्मली एक प्लम्बिंग वाले पहले आपके जो साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर थे वो आते थे, बट अपने इंडियन कल्चर के अंदर क्या है, हम प्रॉपर फिटिंग नहीं करवा के रखते और कहीं ना कहीं से फिर लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका सोल्यूशन सैमसंग ने ये किया है कि जो ये कंटेनर है फ्रिज के अंदर ही फिट कर दिया, आराम से आप यहीं पे पानी डालो, कोई लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आराम से सारा कुछ यहीं पे कर सकते हो, आपको अलग से किसी तरह की कोई प्लम्बिंग करवाने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ये रेफ्रिजरेटर डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आ जाता है। जितना आप सामान रखोगे उस हिसाब से एनर्जी कंजप्शन होगी, वाट और जो इसका कंप्रेसर है उसकी लाइफ भी अच्छी रहती है और वाइब्रेशंस भी काफ़ी कम होते हैं इन्वर्टर कंप्रेसर के अंदर। 1 साल की इसके अंदर कंप्लीट वारंटी मिल रही है और आपको 10 साल की इसके अंदर मोटर की वारंटी, कंप्रेसर की वारंटी मिल रही है। बात करें तो इस रेफ्रिजरेटर का जो MRP है 1,45,990 है, 1,45,990 और आफ्टर डिस्काउंट ये फिलहाल आपको पड़ रहा है 1,21,990 का, 1,21,990 का। और कैशबैक के ऑफर भी सैमसंग की तरफ से इसके ऊपर क्रेडिट कार्ड्स पे चल रहे हैं और साथ ही एक आपको इसके साथ सैमसंग की A12 जो लाइट आती है, टैब आती है, वो आपको इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ऐसा लगा सैमसंग का आपको ये साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर, वाटर डिस्पेंसर, क्यूब आइस और क्रस्ट राइस के साथ आने वाला, कमेंट्स में जरूर बताएं, वीडियोस को लाइक करें और दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और प्रोडक्ट की नई वीडियो के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।